अब हम लोग बात करेंगे अधातु और इसके भौतिक गुणधर्मों को। तो देखिए, पिछली कक्षा में आप अध्ययन कर चुके हैं कि धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कम है। आप ये जानते हैं कि धातु की तुलना में अधातु की संख्या कम है। कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि अधातुओं के कुछ उदाहरण हैं। ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो द्रव होती है। इसके अलावा सारी अधातुएं या तो ठोस हैं या फिर गैसें होती हैं। क्या धातुओं के समान अधातुओं के भी कुछ गुणधर्म होते हैं? आइए पता करते हैं। हम लोगों ने धातुओं के गुणधर्म देखे थे, तो अब प्रश्न ये उठता है, क्या अधातुओं के भी गुणधर्म होते हैं? तो आइए क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं। तो क्रियाकलाप 3.7, कार्बन, जिसके अंतर्गत कोल और ग्रेफाइट आते हैं, आपको लेना है। सल्फर तथा आयोडीन के नमूने भी एकत्र कीजिए। इन धातुओं से 3.1 से लेकर 3.4 और 3.6 तक के क्रियाकलाप को दोहराइए तथा अपने परीक्षणों को लिखिए। धातुओं एवं अधातुओं से संबंधित अपने परीक्षणों को सारणी 3.1 में संकलित यहाँ पर कीजिए। यहाँ पर धातु है तो यहाँ धातु का नाम लिखिए, तत्व का नाम। यहाँ किस चीज़ से चिन्हित करते हैं चिन्ह लिखिए। सतह के प्रकार कैसे हैं, चमकदार है कि नहीं है लिखिए। कठोरता है तो देख उसमें बताइए कि हाँ कठोर हैं। आघात वर्ध्यता का गुण है कि नहीं, तन्यता का गुण है कि नहीं, विद्युत चालकता का है कि नहीं, ध्वनिकता का है कि नहीं, तो इसमें सभी को लिखना है। अगर धातु लेते तो धातु पर भी लिखिए, अधातु है तो अधातु पे से। तो इसको इतने सारे चीज़ को पूरा करना है। सारणी 3.1 में लिखें परीक्षणों के आधार पर अपनी कक्षा में धातुओं तथा अधातुओं के सामान्य गुणधर्मों की चर्चा कीजिए। आप निश्चित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचे होंगे कि केवल भौतिक गुणधर्मों के आधार पर ही हम तत्वों का वर्गीकरण नहीं कर सकते। जब आप धातु और अधातु के सामान्य गुणधर्म की चर्चा करेंगे तो आपको इस बात का निश्चय हो जाएंगे कि केवल भौतिक गुणधर्म के आधार पर हम तत्वों को और मतलब तत्व को धातु और अधातु में वर्गीकृत नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें कई अपवाद हैं, कई सारे अपवाद आने लगते हैं। तो भौतिक गुण के आधार पर हम धातु अधातु में नहीं बांट सकते केवल भौतिक गुण को देखते हुए। तो अपवाद के कुछ उदाहरण देखिए समझते हैं। मरकरी को छोड़कर सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। देखिए, अगर हम धातु के गुणधर्म ठोस की बात करें तो फिर देखिए मरकरी फिर नहीं है। तो मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं जो हैं वो कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। क्रियाकलाप 3.5 में आपने देखा कि धातुओं का गलनांक अधिक होता है। क्रियाकलाप 3.5 में आपने देखा कि धातुओं का गलनांक अधिक होता है, लेकिन अगर आप गैलियम की बात करें और सीजियम की बात करें तो दोनों ही धातु हैं किंतु इसका गलनांक बहुत ही कम है। यदि आप अपनी हथेली पर इन दोनों धातुओं को रखेंगे तो ये पिघलने लगेंगे, इस शरीर के ताप पर भी ये पिघलने लगेंगे, इसकी गलनांक इतनी कम है। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। देखिए यहाँ पर अपवाद आने लगा है। कार्बन ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती हैं। प्रत्येक रूप को अपर रूप कहते हैं। हीरा कार्बन का एक अपर रूप है। यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है और इसका गलनांक तथा क्वथनांक बहुत अधिक होता है। कार्बन का एक अन्य अपर रूप ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। क्षारीय धातु की बात करें जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इतनी मुलायम होती है कि उनको चाकू से भी काटा जा सकता है। इनके घनत्व एवं गलनांक कम होते हैं।
तत्वों को उनके रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर अधिक स्पष्टता से धातुओं एवं अधातुओं को वर्गीकृत किया जा सकता है। देखिए, चूंकि भौतिक गुणधर्म के आधार पर देखें तो हम लोगों के कई सारे अपवाद आने लगे, तो इसलिए जब हम तत्वों को रासायनिक गुणधर्म के आधार पर बांटते हैं तो काफ़ी अच्छे तरीके से, स्पष्ट तरीके से धातु और अधातु वर्गीकृत हो जाते हैं। यानी जब धातु और अधातु को अगर आपको छांटना है, वर्गीकृत करना है, तो वहाँ भौतिक गुणधर्म से कहीं ज़्यादा मायने रखता है रासायनिक गुणधर्म। अब हम लोग क्रियाकलाप 3.8 देखेंगे। मैग्नीशियम की एक पट्टी तथा थोड़ा सल्फर चूर्ण लीजिए। मैग्नीशियम की पट्टी का दहन कीजिए, उसकी राख को इकट्ठा करके उसे पानी में घोल दीजिए। लाल तथा नीले लिटमस पेपर से प्राप्त विलयन की जांच कीजिए। देखिए, पहले क्या करना है, मैग्नीशियम की एक पट्टी लेना है और थोड़ा सल्फर का चूर्ण लेना है। मैग्नीशियम की पट्टी का दहन करना है और उसी राख को इकट्ठा करके पानी में घोलना है। लाल तथा नीले लिटमस पेपर से प्राप्त विलयन की जांच कीजिए। मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पाद मिला वो अम्लीय है या क्षारीय है, यह आपको लिटमस पेपर की जाँच से पता चलेगा। अब सल्फर के चूर्ण का दहन कीजिए, क्योंकि हमने सल्फर भी लिए थे। दहन से उत्पन्न धुएं को एकत्र करने के लिए उसके ऊपर एक परख नली रख दीजिए। इस परख नली में जल डालकर उसे अच्छी तरह मिला दीजिए। अब फिर उसको नीले तथा लाल डस्ट पेपर से इस विलयन की जांच कीजिए। सल्फर के दहन से उत्पन्न पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है, इसकी भी आपका जांच लिटमस पेपर से हो जाएगा। क्या आप इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिख सकते हैं? उसके बाद अंत में आप क्या कीजिए, इनके समीकरण भी लिखिए। अधिकांश धातुएं ऑक्साइड प्रदान करती है। देखिए, यहाँ पर कुछ लिखी है, अच्छी बातें हैं। अधिकांश जो अधातु है वो ऑक्साइड प्रदान करती है, जो जल में घोलकर अम्ल बनाती है। वहीं अधिकतर धातुएं, धातु जो होता है वो क्षारीय ऑक्साइड प्रदान करती हैं। अगले भाग में आपको धातुओं के ऑक्साइडों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होगा। मतलब हम लोग आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम लोग को धातु के ऑक्साइड के बारे में अधिक जानकारी मिलेगा।